नमस्कार जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं क्रॉन सामान्य ज्ञान का बुक ये नया एडिशन का है जिसमें अभी हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और यह आज स्टार्ट ही हो रहा है पहला एक्सरसाइज है भारतीय संविधान का विकास साथ ही बता दें कि जो अभी हम टॉपिक वाइज भी स्टार्ट किए हैं करेंट भी और स्टेटिक फैक्ट भी तो उसको जरूर देखिएगा काफ़ी जो इम्पोर्टेंट होता है बस हम उसी को कलेक्ट करते हैं और उसका पी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो जुड़ जाइएगा और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आगे कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहे तो पहला एक्सरसाइज है इसमें भारतीय संविधान का विकास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया गया है सोलहवीं शताब्दी के अंत में लंदन के कुछ व्यापारियों ने भारत से व्यापार करने के लिए लंदन कंपनी की स्थापना की जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं तो उसका स्थापना किया 1600 सौ ईस्वी के अंतिम महीने में लंदन कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था इस कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में व्यापार करना शुरू किया 1707 में अंग्रेज 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का मृत्यु क्या हुआ 1707 में इसके बाद केंद्रीय प्रशासन के शक्तिहीन होने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ के आंतरिक राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया मतलब जब औरंगजेब मरा उसके बाद दिल्ली में जो मुगल का या जो भी और शासक था वो कमज़ोर पड़ गया तो अंग्रेज जो था राजनीतिक गतिविधि में अपना वो हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया सत्रह में होता है प्लासी का युद्ध इसमें सिराजुद्दौला को पराजित किया और कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिपत्य जमा लिया कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिपत्य कब जमाया पलासी के युद्ध के बाद सत्रह में बक्सर का युद्ध हुआ इसमें भी कंपनी जीत गया था भारत ने भारत में कंपनी के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव पर संसदीय नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम पारित किया गया और ये जो अधिनियम रहा इसी से क्या हुआ भारतीय संविधान बनने का एक मार्ग प्रशस्त हो गया वहीं से हम लोग सीखें कि संविधान कैसे बनाना है क्या सब होगा तो पहला इसमें जो चार्टर आया वो है सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट तो ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट था सत्रह का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर सत्रह में ब्रिटिश संसद द्वारा यह एक्ट पारित किया गया था इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासन को दूर करना था एक नियम बनाया ताकि जो करप्ट ब्रिटिश जो यहाँ पे गवर्नर या जो पोस्ट पे आता था कंपनी के उसको तुरंत केकेल कसा जा सके इसलिए मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया कोलकाता प्रेसिडेंसी के प्रमुख को गवर्नर इससे पहले कहा जाता था सत्रह के बाद उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है ये कब बना सत्रह का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल और उनकी परिषद इंग्लैंड स्थित निदेशन बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी इस एक्ट में एक उच्चतम न्यायालय जो कि सत्रह में बनाया गया कोलकाता में चार संसदीय उच्चतम न्यायालय गठित किया गया था इसके पहले अध्यक्ष कौन थे न्यायाधीश जो कहते हैं सर एजिला एम पे थे बंगाल प्रेसिडेंसी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था वारेन हेस्टिंग बंगाल प्रेसिडेंसी जो सत्रह वाली बात है उसमें जो गवर्नर जनरल का पोस्ट बना वो पहले कौन थे वारेन हेस्टिंग थे तथा उसकी परिषद के लिए चार सदस्य थे फिलिप फ्रांसिस मानसन बारवेल और क्लेवेरिंग एक्ट के तहत स्थापित भारत के पहले उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर एलियाज इम्पे सर इम्पे याद रखिएगा इम्पे थे सत्रह के बाद दूसरा जो एक्ट आया वो था सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से अलग कर दिया कि व्यापार अलग करेगा राजनीति अलग करेगा दोनों को अलग कौन किया सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषयों को छोड़कर सभी सैनिक असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को एक नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया कंपनी के वाणिज्य संबंधी विषय को छोड़कर सैनिक असैनिक और, और राजस्व संबंधी जो पूरा राजनीतिक टाइप का था उसको क्या कर दिया नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी जो अठारह तक विद्यमान रहा अठारह सो का पता है कि क्राउन का मतलब जो कंपनी था उसका शासन खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश की जो महारानी थी वो डायरेक्ट शासन संभालती थी तो तब तक भारत में द्वैध शासन लगा रहा द्वैध शासन ठीक ना ये कब आया तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था चौरासी वाला सत्रह वाला उसमें आया था आगे सत्रह का चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट हमेशा बीस साल के बाद आ रहा है जैसे तिहत्तर के बीस साल के बाद तिरानवे फिर बीस साल के बाद अठारह तो कन्फ्यूज होगा तो आप बीस से कर सकते हो एड उड ठीक ना तो सत्रह का चार्टर एक्ट इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था कंपनी का जो एक अधिकार था अधिकार था व्यापारिक अधिकार उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से मिलने लगा भारतीय कोष से आगे 1813 का चार्टर एक्ट इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया किंतु चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा था चाय और चीन इस एक्ट के तहत एक लाख रुपया प्रतिवर्ष विद्वान भारतीय के प्रोत्साहन तथा साहित्य के सुधार और पुनरुत्थान के लिए रखा गया था मुख्यतः कहा जा गया था कि इंग्लिश के विकास के लिए एक लाख रुपया लॉर्ड मेकालय के हेल्प से दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार प्रदान कर दिया गया इसके बाद फिर 1813 के बाद 1833 में आया चार्टर एक्ट भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम धुंधले संकेत इस एक्ट से मिलते हैं अठारह का चार्टर एक्ट से इस एक्ट से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही अब करने थे यह था अठारह का चार्टर एक्ट इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण केंद्री किया गया बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया बंगाल का था इससे पहले अब पूरे भारत का बन गया 1833 का एक्ट जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे विधायी कार्य के लिए परिषद का विस्तार किया गया जिसमें पहले तीन सदस्य के अतिरिक्त एक विधि सदस्य भी जोड़ा गया था तीन सदस्य के अतिरिक्त विधि सदस्य भी जोड़ा गया था इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सरकार भारत सरकार और उसकी परिषद भारत परिषद कहलाने लगा इस एक्ट के द्वारा जो सरकार था गवर्नर जनरल वो भारत सरकार और उसका परिषद जो था वो भारत परिषद कहलाने लगा भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध और सुधार के उद्देश्य से लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया विधि आयोग का गठन लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया था फिर आता है अठारह का चार्टर एक्ट अठारह का चार्टर एक्ट यह अंतिम चार्टर एक्ट था क्योंकि इसके बाद अठारह सौ अंठावन का पता है क्या हुआ तो ये तो क्या था अंतिम एक्ट था पूछा जाता है कि अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था अठारह का था बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया बंगाल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद को अलग कर दिया गया इसी एक्ट द्वारा सर्वप्रथम संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई अब आता है अठारह का भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम अठारह का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए एक घातक झटका साबित हुआ था यह एक्ट अठारह का भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट था द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम मतलब इसका मेन उद्देश्य था कि किस तरह से लूटा जाए टैक्स टैक्स को बढ़ा दिया गया इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन सौंप दिया गया कौन सा अठारह का भारत शासन अधिनियम के द्वारा का जो था इस अधिनियम द्वारा सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो द्वैध शासन प्रणाली था उसको समाप्त कर दिया गया भारत के राज्य सचिव का पद सृजित किया गया जिसमें पंद्रह सदस्य का एक परिषद था जिसे भारत परिषद के नाम से जाना जाता था इसके सहायता से भारत पर शासन करने का अधिकार दिया गया तो ये भारत परिषद का स्थापना इसमें कितने सदस्य थे पंद्रह सदस्य पंद्रह सदस्य भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय की उपाधि मिली जो क्राउन का सीधा प्रतिनिधि था लॉर्ड केनिंग भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड केनिंग भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड केनिंग गवर्नर जनरल का पद भारत सरकार के विधायी कार्य का प्रतीक था तथा सम्राट जो क्राउन था ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व करने के कारण उसे वायसराय कहा गया था अब है भारतीय परिषद अधिनियम अठारह भारतीय परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का, का विस्तार किया गया और उसमें एक पांचवां सदस्य शामिल किया गया जो एक विधि व्यक्ता का पद था विधायी कार्यों के लिए कम से कम छः तथा अधिक से अधिक बारह अतिरिक्त सदस्य शामिल किए गए थे पहली बार भारत में प्रतिनिधि संस्थानों और मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी प्रतिनिधि संस्थान और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी थी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल अब अध्यादेश जारी कर सकता था गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न है कितने राज्यों में विधान परिषद है यह आप बताइए कमेंट बॉक्स में ऑप्शन दे देते हैं पाँच छ सात आठ आगे आपका भारतीय परिषद अधिनियम अठारह सौ बिरानवे गवर्नर जनरल की परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम दस एवं अधिक से अधिक सोलह कर दिया गया गवर्नर जनरल के परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम दस और अधिक से अधिक सोलह कर दिया गया इसी प्रकार प्रांतीय परिषद में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई परिषदों को शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ आर्थिक बजट पर विचार विमर्श करने तथा प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहीं से हुई अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली फिर आता है भारत परिषद अधिनियम उन्नीस जिसको मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया कि भारतीय लोग भी उसमें शामिल हो सकते थे इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की गई मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा 1909 में किया गया मार्ले सुधार में किया गया इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ाया परिषद के सदस्यों को बजट विवेचना करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार दिया गया स्वतेंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य चुना गया स्तेंद्र सिन्हा को सतेंद्र सिन्हा भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या साठ की गई और नौ पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया भारतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या साठ की गई और नौ जो था वो पदेन सदस्यों का प्रावधान किया गया फिर आता है सौ उन्नीस का मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ट सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम उन्नीस मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ट सुधार इस अधिनियम के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था और केंद्रीय विधानसभा जो निम्न सदन होता था ये इस टाइप का दो वाला द्वि सदनीय विधानमंडल ने लिया फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं इस अधिनियम के तहत द्वि सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई केंद्रीय विधान परिषद के स्थान राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा वाले दिव सदनीय विधानमंडल ने ले लिया राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या साठ थी इसमें चौंतीस सदस्य निर्वाचित होते थे राज्य परिषद का कार्यकाल पांच वर्ष का था केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई थी जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत होते थे इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता था संसदियों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था निर्वाचन के लिए अड़ताए सांप्रदायिक समूह निवास और संपत्ति पर आधारित था जो क्वालिफिकेशन कहते हैं ना वो आगे द्वैत शासन इस एक्ट द्वारा आठ प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था द्वैत शासन की पद्धति शुरू की गई प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस थे लियोनस कार्टियस लियोनस कार्टियस प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय आरक्षित विषय में भू राजस्व वित्त कानून व्यवस्था सिंचाई खनिज संसाधन न्याय पुलिस प्रशासन उद्योग आदि आते थे जबकि हस्तांतरित विषय में इसमें शिक्षा लोक स्वास्थ्य कृषि मापतौल स्थानीय स्वयं शासन सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण और आबकारी आदि प्रमुख थे आरक्षित विषय का प्रावधान गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद द्वारा करता था तथा हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वाचन सदस्यों के द्वारा करता था इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था साथ ही पहली बार लोक लेखा और वित्त समिति का भी गठन किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश मोन्टफोर्ड रिपोर्ट उन्नीस द्वारा किया गया था मोन्टफोर्ड रिपोर्ट उन्नीस के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935 1935 का देखिए एक चीज और स्टार्टिंग में कहना भूल गया बुक में कुछ पार्ट क्या होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कुछ पार्ट कम इंपॉर्टेंट होता है तो आपका एग्जाम कब है कैसे उस है उस हिसाब से पढ़िए ठीक ना क्योंकि अब बार बार शुरू से ही देखना शुरू कर दे रहे तो फिर तो कभी खत्म नहीं होगा ना तो उस हिसाब से थोड़ा तो बढ़ा के जो इंपॉर्टेंट होता है उस लेसन को पढ़िए उस टाइप से पढ़िए तो अधिक हेल्पफुल होगा और टाइम भी बचेगा आपका 1935 का शासन अधिनियम 1920 से 1935 तक राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम था यह विधेयक 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ था 2 अगस्त 1935 को प्रस्तावना रहित यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रलेख था इसमें 14 भाग दस परिशिष्ट तीन सौ इक्कीस धारा और दस अनुसूचियां थी भारत का वर्तमान संवैधानिक धा, संवैधानिक जो ढांचा है संविधान का वो बहुत हद तक इसी अधिनियम पर आधारित है इसलिए कहा जाए टू बाई थर्ड जो भारतीय संविधान का है वो भारत सरकार अधिनियम उन्नीस से ही लिया गया है इस अधिनियम से सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने के लिए तैयार भारतीय रियासतों का अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान रखा गया था प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई गई थी द्वैत शासन की व्यवस्था अब केंद्र में लागू की गई सुरक्षा विदेशिक संबंध और धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में केंद्रित किया गया तथा अन्य मामलों में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी की गई थी संघीय न्यायालय की स्थापना की गई जिसके विरुद्ध अपील प्रेवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी अपील प्रेवी काउंसिल लंदन में की जा सकती थी इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए उड़ीसा और सिंध सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और अधिक विस्तार किया गया प्रधानमंत्री प्रीमियर तथा मंत्री मिनिस्टर जैसे शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया था प्रधानमंत्री प्रीमियर और मंत्री मिनिस्टर भारत स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 18 जुलाई 1947 को पारित किया इस अधिनियम को 4 जुलाई उन्नीस को प्रस्तुत किया गया था इस अधिनियम में दो डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना की गई 14 तथा 15 अगस्त उन्नीस को तारीख निर्धारित किया गया था पाकिस्तान और भारत का बंगाल और पंजाब में दो दो प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया बंगाल और पंजाब में पूर्वी बंगाल सिंध और असम में सिलहट जिला पाकिस्तान में सम्मिलित होना था पूर्वी बंगाल सिंध और असम का सिलहट जिला ये मिला के पूरा पाकिस्तान बनना था 15 अगस्त उन्नीस को ब्रिटिश करोन का भारत पर अधिपत्य समाप्त हो जाएगा भारतीय रियासतों इन दोनों डोमिनियन में से किसी एक में शामिल हो सकता है जो भारतीय रियासत थी जिसको जो मैं हो जा सकता है दोनों डोमिनियन के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा की जाएगी दोनों डोमिनियन की सूत्र सत्ता को मान्यता दी गई और उन्हें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया गया दोनों दोनो राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन का अधिकार दिया गया दोनों राज्यों को अपने लिए पृथक संविधान सभा के गठन करने का अधिकार दिया यानी भारत और पाकिस्तान को अलग अलग दोनों राज्यों की सीमा के निर्धारण के लिए सर रेड क्लिप की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन किया गया इसलिए भारत पाकिस्तान के बीच कलन क्या है रेड क्लिप लेखा अब दूसरा जो हमारा एक्सरसाइज है वो है संविधान का निर्माण काफ़ी इंपॉर्टेंट है संविधान का निर्माण संविधान सभा चुने गए जनप्रतिनिधियों को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं जो भी लोग मिलकर जिस रूम में जिस दस्तावेज पर लिखे वो सबको हम क्या कह देते हैं संविधान सभा भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित हुआ जो कि कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 याद रखिएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसी से संविधान सभा का निर्माण हुआ था इस स्कीम की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार है पहला दिया गया है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली स्थानों की संख्या का निर्धारण जो था मतलब जो नंबर पर पोस्ट था वो दस लाख पर एक था दस लाख की जनसंख्या पर एक था संविधान निर्माण निकाय संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या तीन नवासी निर्धारित की गई थी इसमें से दो प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में गवर्नरों के अधीन 11 प्रांत से चार प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी से और चार प्रांत से जो कि दिल्ली आजमेर मारवाड़ कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से तथा तिरानवे प्रतिनिधि जो था वो भारतीय रियासत से ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय रियासत से कितने थे तिरानवे तीसरा है प्रत्येक प्रांत के स्थानों को तीन प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था ये तीन समुदाय थे मुस्लिम सिख और साधारण साधारण मुस्लिम सिख और प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का निर्वाचन किया था देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी जुलाई 1946 में ब्रिटिश प्रांत में प्रांतों का आवंटन जो था वो दो सौ बिरानवे प्लस चार कुल दो सौ छियानवे स्थानों के लिए चुनाव हुआ था जिसमें विभिन्न दलों का निर्वाचन मतलब जिसमें आपको याद रखना है कांग्रेस को कितना सीट मिला था कांग्रेस का दो सौ आठ था उसमें कांग्रेस दो सौ आठ मुस्लिम लीग का सेवेंटी थ्री यूनियनिस्ट एक यूनियन मुस्लिम एक यूनियनिस्ट अनुसूचित एक कृषक प्रजा एक अनुसूचित जाति परिसंघ एक सिख गैर कांग्रेस एक कम्युनिस्ट एक और स्वतंत्र आठ यानी कुल दो सौ छियानवे 3 जुलाई उन्नीस को योजना के अधीन पाकिस्तान के लिए एक पृथक विधानसभा बनी जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल पंजाब सिंध पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले जो कि जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में सम्मिलित हुए थे इसके सदस्य भारत के संविधान के सदस्य नहीं रहे पश्चिम बंगाल और पूर्वी पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब में पुनः निर्वाचन हुआ अगे संविधान का अधिनियम संविधान का अधिनियमन जब विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई तब उसमें कुल सदस्यों की संख्या दो थी दो जिसमें 70 प्रतिनिधि देसी रियासत से थे इनमें से दो सदस्य इनमें से दो सदस्य 26 नवंबर उन्नीस को वास्तव में उपस्थित थे और उन्होंने अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर किया था कितने दो पूछा जाता है कि जब 26 नवंबर को जो लास्ट में संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था कितने प्रतिनिधि थे कितने सदस्य थे दो सौ चौरासी दो आठ चार यानी चार दुनिया आठ ठीक ना ऐसे दो आठ चार याद रखिएगा आगे संविधान सभा की बैठक संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः ग्यारह बजे हुआ था 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा के जो भी अध्यक्ष अस्थायी सब बिहार के बने थे ये भी बिहार के और राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो भी बिहार के ही थे संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई जिन्हें अब कॉन्स्टिट्यूशन हाथा कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन हाथा 11 दिसंबर को दूसरा मीटिंग हुआ 1946 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था एस सॉरी एच सी मुखर्जी ये थे उपाध्यक्ष और बी एन राव ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया जवाहरलाल नेहरू इसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान रचना के विभिन्न पहलुओं से निपटने हेतु विभिन्न समितियां नियुक्त की गई थी जो सभा यहाँ पे दिया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम इसको याद रखना है आपको नियम समिति इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति इसके भी राजेंद्र प्रसाद प्ररूप समिति भीमराव राव अम्बेडकर प्रड़ूप समिति भीमराव राव अम्बेडकर संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सलाहकार समिति इस समिति में चार उपसमापति था ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत सलाहकार समिति मूल मतलब इसमें चार था वो कौ करके दिया गया है मूल अधिकार उप समिति जैविक रिपलानी जैविक अल्पसंख्यक उप समिति एच सी मुखर्जी पूर्वोत्तर सीमा जनजातीय क्षेत्र और असम आदि की उप समिति गोपीनाथ बरदौली गोपीनाथ बरदौली अपवर्जित और भगत भागात अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्र को छोड़कर इसके थे जे जे निकोल राय जे जे निकोल राय संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू परिचय पत्र समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर आवास समिति डॉक्टर पट्टावी सीतारामैया डॉक्टर पट्टावी सीतारामैया कार्य निर्धारण समिति कार्य निर्धारण समिति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी राष्ट्रीय ध्वज के लिए तथार्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के कृतियों की समिति जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू उच्चतम न्यायालय के लिए तथार्थ समिति के एस एस वर्दाचारी, एस वरदाचारी आगे है उनतीस अगस्त उन्नीस को संविधान के निर्माण हेतु सात सदस्य प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन थे भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 15 अगस्त 1947 से उनतीस जून 1950 तक भारत सरकार के विधि मंत्री भी रहे है। अब वह प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे अध्यक्ष तो भीमराव अम्बेडकर थे सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के एम मुंशी मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अय्यर वी एल मित्र जो बाद में इनके स्थान पर माधवराय आ गए डी पी खेतान इनकी मृत्यु उन्नीस में हो गया इसके बाद टी टी कृष्ण टी टी कृष्णमाचार्य आ गया संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी एन राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया जिसमें दो अनुच्छेद और तेरह अनुसूचियां थी किसने तैयार किया वी एन राव वी एन राव प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया इसकी इसमें काफी संख्या में संशोधन किए गए इसके पश्चात पुनः 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया था प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ हुआ प्रारूप समिति पर था द्वितीय वाचन संविधान के प्रारूप के उपबंधों कर खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर उन्नीस सौ पूरे एक साल लगभग इस पे विचार चला खंडवार प्रस्तावना को इसके बाद में स्वीकार किया गया प्रस्तावना सबसे बाद में स्वीकार किया गया तृतीय वाचन इसका तीसरा वचन चौदह नवंबर उन्नीस से लेकर छब्बीस नवंबर उन्नीस के बीच हुआ था छब्बीस नवंबर उन्नीस को अब हालांकि छब्बीस नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं छब्बीस नवंबर को छब्बीस नवंबर उन्नीस को संविधान पर सभा के सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया नागरिकता नागरिकता अंतरिम संसद निर्वाचन और अस्थायी और संक्रमण उपबंध 26 नवंबर उन्नीस से लागू किया गया 26 नवंबर उन्नीस में अंगीकृत संविधान में 22 भाग तीन सौ पंचानवे अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था इस तारीख को संविधान में उसके प्रारंभ की तारीख कहा गया यानी अनुच्छेद दो में ये वर्णित है अब यहाँ पे विविध तथ्य दिया गया है कि संविधान के निर्माण में कुल दो वर्ष ग्यारह महीना और अठारह दिन का समय लगा था दो वर्ष ग्यारह महीना और अठारह दिन इस दौरान कुल ग्यारह अधिवेशन हुए थे कुल ग्यारह अधिवेशन हुआ था संविधान बनने में संविधान के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई थी। संविधान के निर्माण में कुल तिरसठ लाख छियानवे अनुच्छेद हैं यहाँ पे दिया गया इसको छब्बीस नवंबर उन्नीस को ही लागू कर दिया गया था जबकि शेष अनुच्छेद जो है वो छब्बीस जनवरी उन्नीस को लागू किया गया था संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था 24 जनवरी को ही याद रखिएगा यहाँ जो संविधान अनुच्छेद दिया गया है तो हमने एक बनाया हुआ है महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसको लेके एक वीडियो तो उसको जरूर देखिएगा जो भी इंपॉर्टेंट है हमने उसमें कवर किया है एक बार उसको फिर से अप्रेट करके हम बना देंगे नहीं तो कहिएगा तो आगे अंतरिम मंत्रिमंडल जो दो सितंबर उन्नीस को बना अंतरिम जवाहरलाल नेहरू थे मंत्रिमंडल के प्रमुख विदेशी तथा राष्ट्रीय मंडल के संबंध में वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना और प्रसारण मंत्री गृह सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बलदेव सिंह डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति करता उद्योग तथा आपूर्ति करता सीराज गोपाल आचार्य शिक्षा मंत्री सी गोपाल आचार्य शिक्षा मंत्री सी एच भावा खान और बंदरगाह मंत्री खान और बंदरगाह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य और कृषि मंत्री खाद्य और कृषि मंत्री आसफ अली रेलवे मंत्री आसफ अली जगजीवन राम श्रम मंत्री श्रम लियाकत अली खान वित्त मंत्री लियाकत अली खान अब्दुल रव निस्तार अब्दुल रव निस्तार संचार मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री विधि गजानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री और आई आई चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री अब आगे दिया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल जब भारत स्वतंत्र हो गया तब जो मंत्रिमंडल बना वो तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे विदेश राष्ट्रमंडल और वैज्ञानिक शोध के भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद और कृषि मंत्री खाद और कृषि मंत्री अबुल कलाम आज़ाद ये शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सरदार बल्लभ सरदार वल्लभ भाई पटेल ये गृह सूचना और प्रसारण और राज्य मंत्री तेईस अगस्त उन्नीस को भारत के योग प्रधानमंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जगजीवन राम ये सरब सी एच भाभा ये वाणिज्य रफी अहमद की दवाई संचार मंत्री अगर राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि आर के चेट्टी वित्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री उद्योग और आपूर्ति मंत्री एन वी गाडगिल एन वी गाडगिल कार्य खाद्यान्न और ऊर्जा मंत्री एन वी गाडगिल जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन परिहवन बलदेव सिंह रक्षा मंत्री अवैध संविधान सभा के अधिकारी बाईस जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था बाईस जुलाई को इसी झंडा दिवस मनाते हैं हम लोग उन्नीस में चौबीस जनवरी 1950 को दोची ची मनाया गया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया गया था और उन्नीस में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिली राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ आगे दिया गया अगला लेसन जो है हमारा 8.3 यानी तीसरा एक्सरसाइज संविधान के स्रोत मानी जो संविधान बना है वो कहाँ से क्या लिया गया है वो सब दिया गया है इसमें तो दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग दो तिहाई भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया दो तिहाई 1935 से इसके अलावा विभिन्न देशों के संविधान से भी कुछ प्रावधान लिए गए हैं वो सब यहाँ पे दिया गया है जैसे कि भारत शासन अधिनियम उन्नीस से क्या सब लिया गया है संघात्मक व्यवस्था न्यायपालिका की शक्ति राजनीति की आधारभूत संरचना लोक सेवा आयोग जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध आपातकालीन उपबंध सोवियत संघ जो रूस है वहाँ से लिए हैं मूल कर्तव्य मूल कर्तव्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की सर्वोच्चता और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा का पदेन सभापति ये सब लिए हैं अमेरिका से यूएसए से साथ ही राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के संघ में रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश ये सब यूएसए से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में लगभग सब कुछ जो है वो यूएसए से लिए हैं ब्रिटिश संविधान संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता विधि का शासन विधि निर्माण की प्रक्रिया संसदीय विशेषाधिकार चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया और द्विसदनीय व्यवस्था ये लिया गया ब्रिटिश से आगे कनाडा का संविधान सरकार की संघीय व्यवस्था सरकार की संघीय व्यवस्था केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ये कनाडा के संविधान से है फिर आता है ऑस्ट्रेलिया जिसमें समवर्धी सूची लिए है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सातवीं अनुसूची में है समवर्धी सूची प्रस्तावना की भाषा केंद्र राज्य संबंध ये है ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड से हम लोग लिए हैं नीति निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व साथ ही निर्वाचन जो राष्ट्रपति का होता है वो और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा साहित्य कला और क्षेत्र से जो सदस्यों का चुनाने चुना जाता है वो सब आयरलैंड से लिए हैं जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रक्रिया लिए हम लोग दक्षिण अफ्रीका से आगे हमारा एक्सरसाइज है भारतीय संविधान के भाग भारतीय संविधान में जो भाग दिया है जो पढ़ने में सहूलियत मिलता है उसके लिए तो जो पहला भाग है यह अनुच्छेद एक से लेकर चार तक दिया गया है अनुच्छेद एक से लेकर चार तक इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग दो पाँच से लेकर ग्यारह तक है भाग दो पाँच से लेकर ग्यारह तक नागरिकता के बारे में है नागरिकता भाग तीन मूल अधिकार भाग तीन में मूल अधिकार ये अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक मिलेगा भाग चार ये नीति निर्देशक तत्व है छत्तीस से लेकर इक्यावन तक छत्तीस से लेकर इक्यावन तक वही मूल कर्तव्य जो है वो भाग चार के कौ में दिया गया है अनुच्छेद इक्यावन के कौ में जो हम रूस से लिए हैं भाग पाँच ये बावन से लेकर एक तक है बावन से लेकर एक तक ये संघ के बारे में संघ भाग छ है राज्य के बारे में एक से लेकर एक से लेकर दो तक दो राज्य के बारे में भाग सात ये पहली अनुसूची के भाग राज्य अनुच्छेद 238 संविधान सातवां संविधान संशोधन अधिनियम छप्पन की धारा उनतीस और अनुसूचित द्वारा इसमें शामिल किया गया था भाग सात आगे आता है भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है संघ राज्यक्षेत्र दो से लेकर बयालीस तक दो से लेकर बयालीस तक अनुच्छेद सॉरी भाग नौ ये पंचायत के बारे में है भाग नौ अनुच्छेद दो सौ भाग दस अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र चौवालीस से लेकर चौवालीस का कौ तक है ये बहुत लंबा चौराह है चौवालीस कॉ ख गौ ऐसे करके है तो ये भाग दस है इसके आगे है भाग ग्यारह राज्य और संघ के बीच जो संबंध है दो से लेकर दो के बीच भाग ग्यारह भाग बारह वित्त संपत्ति संविदाय और बाद जो चौंसठ से लेकर तीन तक है चौंसठ से लेकर तीन भाग तेरह भारत में राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 से लेकर 307 भाग तेरह था भाग 14 यह 308 से लेकर तीन तक 308 से लेकर 27 तक संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का जो है यो भाग 15 निर्वाचन के बारे में 324 से लेकर तीन निर्वाचन भाग भाग सोलह है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अधिकार तीन से, से लेकर तीन तक और भाग सत्रह है राज्य भाषा राज्य भाषा तीन से लेकर तीन भाग अठारह अपात उपबंध है आपात उपबंध तीन से लेकर तीन आगे भाग उन्नीस प्रकीर्णन राष्ट्रपति राज्यपाल राज्य प्रमुख संसदीय आदि का संरक्षण अनुच्छेद तीन से लेकर तीन भाग बीस संविधान का संशोधन भाग बीस है संविधान संशोधन अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ में तीन सौ अड़सठ भाग इक्कीस अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध तीन से लेकर तीन सौ बिरानवे भाग इक्कीस और लास्ट है भाग बाईस संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद तीन सौ तिरानवे से लेकर तीन सौ पंचानवे अब आगे अनुसूचियां जो दिया गया है वो ये सब सबको याद रखना पड़ेगा देखो हार्ड है आसान तो है, है वो अलग बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है याद करना पड़ेगा पहला है अनुसूची भारत में अट्ठाइस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश है दूसरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ता नियंत्रण महालेखा परीक्षक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध है तीसरा अनुसूची मंत्रियों सदस्यों मंत्री सांसदों विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप में शपथ याद रखिएगा चौथा है कि राज्य और संघ शासित प्रदेश में राज्य के सदस्यों की संख्या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का जो बंटवारा सब होता है वो होता है चौथी अनुसूची में पांचवा है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति में प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध पांचवा छठा है असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध पांच और छः जो मेन लिए वो जनजातीय क्षेत्र के बारे में ही दिया गया प्रशासन के बारे में तो पाँचों याद रह जाएगा आगे जो सातवां है वो संघ सूची और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची है ये आपका जो ऑस्ट्रेलिया से लिए हुए हैं सूची का बंटवारा वो है आठवीं में तो भाषा है बाईस क्षेत्रीय भाषा नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंध के बारे में नौवीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में वहीं अगर दसवीं अनुसूची की बात करें तो वो दल बदल है दल परिवर्तन के आधार पर निहार्थ के बारे में उपबंध ग्यारहवा है पंचायती राज पंचायत के बारे में बारहवा है नगर के बारे में नगर के बारे में उसके शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायी के बारे में आगे संविधान की उद्देशिका जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं उसी को कहीं कहीं उद्देशिका लिखा रहता है तो संविधान की उद्देशिका में संविधान के अध्यय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली आधारित है उद्देशिका को दो प्रयोजन सिद्ध हुआ है पहला है इसमें इसमें यह प्रकट होता है कि संविधान के प्राधिकार के स्रोत क्या है स्रोत क्या है और दूसरा है इससे वे उद्देश्य वर्णित हैं जिन्हें संविधान स्थापित करने और आगे बढ़ाना चाहता है बयालीसवं संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था कौन सा संविधान संशोधन था बयालीसवां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी का टाइम उस टाइम में आरंभ में प्रस्तावना को संविधान के भाग नहीं माना गया था प्रस्तावना को लेकिन बेरोबाड़ी बनाम भारत संघ का मामला था 1960 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान का भाग नहीं माना उस टाइम भी लेकिन फिर उन्नीस में केशवानंद भारती बना केरल का केस था इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उद्देशिका जो है यानी प्रस्तावना जो है यह भी संविधान का भाग है उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान में उल्लेखित मूल दर्शन जो है उसका मूल ढांचा है उसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं किया जाएगा इसके बाद जो हमारा अगला है छ लेसन संघ और उसका राज्य क्षेत्र संघ और उसका राज्य क्षेत्र तो भाग फर्स्ट यही है अनुच्छेद एक से लेकर चार तक अनुच्छेद एक में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है राज्यों का संघ है अनुच्छेद एक में भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र और तथा संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं ये सब आता है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन पहली अनुसूची में किया गया है इस समय अनुसूची में जो पहली अनुसूची है उसमें अट्ठाईस राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है आगे अनुच्छेद दो अनुच्छेद दो में यह उपबंध है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी अनुच्छेद तीन है नए राज्यों का निर्माण संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है आगे किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है साथ ही घटा भी सकता है सीमा में परिवर्तन कर सकता है और राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकता है अनुच्छेद तीन में दो शर्तों का भी उल्लेख है उपरोक्त जो परिवर्तन है इसे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में रखा जा सकता है और दूसरा है राष्ट्रपति द्वारा यह विधेयक प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडल को भेजा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्य को अपना मत प्रस्तुत करने के संबंध में एक समयावधि का निर्धारण किया जा सकता है राज्य द्वारा अभिव्यक्त किए गए मत को स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने के लिए संसद बाध्य नहीं होगा अनुच्छेद चार अनुच्छेद दो और तीन के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद तीन के प्रयोजनार्थ इस संविधान के संशोधन नहीं समझे जाएंगे अर्थात इस प्रकार के कानून में से एक साधारण बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा यह पारित किया जा सकेगा अब यहाँ पे संविधान का कुछ टर्म दिया गया है ठीक ना तो वो देख लेते हैं क्या सब है पहले जो उद्देश्य का या प्रस्तावना है उसको पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है ठीक ना ये आप लोगों को याद होना चाहिए तरीके से दिया गया है हम भारत के हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर उन्नीस को मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संबत दो हजार छ विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित आत्मर्पित करते हैं यह है प्रस्तावना और इसका जो टर्म सब है वो यहाँ पे दिया गया समझाया गया है कि हम भारत के लोग भारत को मतलब भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए से किया है ना कि इसे किसी राजा अथवा बाहरी आदमियों ने किया हम भारत के लोग के द्वारा इसको बनाया गया है समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा असमानता के साथ होना चाहिए सॉरी समानता के साथ होना चाहिए सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून की तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएँ कम हो आगे प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसने लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं अर्थात जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है पंथ निरपेक्ष नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देता है न्याय के बारे में नागरिकों के साथ उनकी जाति धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है गणराज्य शासन के शासन का प्रमुख लोग द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा न कि व्यक्ति वंश या राज खानदान का गणराज्य का मतलब हुआ आगे स्वतंत्रता नागरिक जैसे सोचे जिस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे वो अपने विचारों पर किसी तरह का अमल करे इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है समता कानून के समक्ष सभी लोग समान है पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा Uh, सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है बंधुता हम सभी ऐसे आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं कोई भी नागरिक किसी दूसरे की नागरिक को अपने से कम ना माने अब आगे अनुच्छेद ये तो हो गया राज्य का गठन है आगे राज्यों का गठन स्वतंत्रता के समय भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ थी एक तो था देसी रियासत और दूसरा था ब्रिटिश सरकार के अधीन प्रांत जिस पर ब्रिटिश का प्रभुत्व था सरदार पटेल एवं वीपी मेनन ने देसी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाषाई नाम याद रखिएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और वीपी मेनन। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को चौदह उन्नीस में गठित दर आयोग ने अस्वीकार कर दिया हालांकि उन्नीस में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया ये उन्नीस मुझे डाउट है नहीं सही है उन्नीस सौ तिरपन एक अक्टूबर उन्नीस सौ तिरपन को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया यह भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश 22 दिसंबर उन्नीस सौ तिरपन को राज्यों के पुनर्गठन हेतु फजल अली आयोग गठित किया गया इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम उन्नीस संसद द्वारा पारित किया गया देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पे ये यह होता है मैं भी याद किया था उन्नीस छप्पन पर याद रखना है आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ उन्नीस में लेकिन जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो संसद द्वारा पारित हुआ था उन्नीस में इस अधिनियम में कुल चौदह राज्य थे आंध्र प्रदेश असम बम्बई बिहार जम्मू कश्मीर केरल मध्य प्रदेश मद्रास मैसूर ओडिशा उत्तर प्रदेश पंजाब राजस्थान और पश्चिम बंगाल साथ ही छह केंद्र शासित प्रदेश भी था दिल्ली मणिपुर त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप मिनीकाय एवं अमिन द्वीप था 1966 में शाह आयोग की संतुतियों के आधार पर पंजाब तथा हरियाणा राज्य का पुनर्गठन हुआ 1966 में पंजाब और हरियाणा तिरपनवा और छप्पनवा संविधान संशोधन द्वारा 1986 एवं सतासी में यानी छियासी में मिजोरम अर मतलब अरुणाचल प्रदेश और सत्तासी में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एवं बिहार को पुनर्गठित करके उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड को अलग करके राज्य का गठन किया गया आगे 1960 से लेकर 2014 के दौरान जो भी राज्य का नाम परिवर्तन हुआ पुनर्गठन हुआ वो सब यहाँ पे दिया गया है तो 1960 में यह पंद्रहवा राज्य था गुजरात गुजरात बम्बई से पुनर्गठित किया गया था उन्नीस में नागालैंड असम से अलग हुआ था उन्नीस में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ उन्नीस मेघालय असम से अलग हुआ था उन्नीस हिमाचल प्रदेश उन्नीस में हिमाचल प्रदेश ये पहला यूनियन टेरेट्री था उन्नीस मणिपुर मणिपुर यह भी यूटी था उन्नीस में त्रिपुरा 1975 में सिक्किम इसको सहयोगी राज्य था 1975 में इसको आज़ादी मिली थी ऐसा कहा जाता है उन्नीस मिजोरम मतलब प्रश्न आएगा कि सिक्किम को भारत का अंग कब बनाया गया तो उन्नीस में उन्नीस मिजोरम उन्नीस में ही अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश उन्नीस में ही गोवा गोवा दो में तीन बना था छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2014 में तेलंगाना और 2019 में वो जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू एवं कश्मीर को अलग से दिया गया यहाँ पे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश एक जिसे पहले से ही भांति जम्मू और कश्मीर कहा जाता था वैसे ही कहा जाएगा था दूसरा जो है वो लद्दाख के रूप में पुनर्गठित हुआ पाँच अगस्त 2019 को अधिनियम हेतु एक विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया जो इसी दिन पारित हुआ था पाँच अगस्त 2019 को लोकसभा ने इसे छः अगस्त 2019 को पारित किया नौ अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति प्रदान की सिग्नेचर कर दिया विधेयक प्रस्तुत करने से पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन के तहत राष्ट्रपति के आदेशों से जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे को वापस ले लिया गया इसके बाद भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए थे इस प्रकार राज्य की विधान परिषद सहित राज्य विधायिका को समाप्त कर दिया गया और आगे से उसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधानसभा माना जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दो जिले लेह और कारगिल हैं लद्दाख में दो जिला हुआ लेह और कारगिल दोनों ज़िलों ने स्वयंताशासी जिला परिषद है लद्दाख में निर्वाचित विधानसभा अथवा मुख्यमंत्री नहीं होगा लद्दाख में वर्तमान स्थिति भारत का वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं राज्य में आंध्र प्रदेश असम अरुणाचल प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश झारखंड कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड ओडिशा पंजाब राजस्थान सिक्किम तमिलनाडु तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल है वह एक शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ दादर और नागर हवेली और दामन एंडदीप दोनों मिल गया है दामन एंडदीप ये 26 जनवरी 2020 को मिला दिल्ली जम्मू काश्मीर लद्दाख लक्षद्वीप और पुदुचेरी आगे जो हमारे एक्सरसाइज है वो है सातवां एक्सरसाइज नागरिकता यह आपका भाग दो में आता है अनुच्छेद पाँच सौ ग्यारह अनुच्छेद पाँच सौ ग्यारह इससे पहले भाग एक पढ़े थे अनुच्छेद एक से लेकर अनुच्छेद चार तक था कि भारत राज्यों का संघ है भारत राज्य का संबंध इस टाइप का दिया गया था तो अभी हम पढ़ रहे हैं अब नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है नागरिकता व्यक्ति को दायित्व अधिकार कर्तव्य एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों से प्राप्त होते हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं जो भी विदेशी यहाँ पे आएगा उसको जो यहाँ को जो यहाँ के नागरिकता को मिलता है वो सब उनको नहीं मिलेगा कुछ कुछ मिलेगा नागरिकों के अधिकार संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं होते हैं संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलता है केवल भारतीय नागरिक कुछ पद धारण कर सकते हैं जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महानियवादी राज्यपाल और महाधिवक्ता ये केवल भारत के नागरिक ही बन सकते हैं आप ही बन सकते हो ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार होता है अगर भारतीय नागरिकता हेतु प्रावधान अनुच्छेद पाँच संविधान मतलब ये जो पाँच से ग्यारह तक है नागरिकता के बारे में तो ये पहला अनुच्छेद है नागरिकता के बारे में निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए छब्बीस तो जनवरी को जब संविधान लागू हुआ तो तब से जो भारत में है वो तो नागरिक ही हुआ वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था उस टाइम वो भारत का तो नागरिक होगा अधिवासी जिनके माता या पिता से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो आदिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम पाँच वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर भी निवास कर रहा था उसे भी नागरिकता दे दिया गया था पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 था अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामली तौर पर निवास कर रहा है वह भी क्या हुआ भारत के नागरिक यह 19 जुलाई 1948 तक यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और छः मास से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा है और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है तो वो भी नागरिक हो जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो तो भी उसे नागरिकता मान मिल जाएगा आगे पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वालों के लिए नागरिकता अनुच्छेद सात अनुच्छेद सात के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक मार्च उन्नीस को उन्नीस के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रवर्जन किया तो उसे भारत का नागरिकता नहीं समझा जाएगा अब है दोहरी नागरिकता हालाँकि ये खत्म कर गया फिर भी अनुच्छेद पाँच छः और आठ के अधीन आने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा यदि वो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है पहले था जम्मू कश्मीर में क्या पाकिस्तान का नागरिकता लो फिर भी पाकिस्तान में रहो तो अब तो पूरे देश में एकल नागरिकता है अगर आप दूसरे का लिए तो भारत का हट जाएगा ठीक ना तो ये आपका अनुच्छेद 9 में नागरिकता अधिनियम 1955 अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधान का वर्णन है पहला दिया गया जन्म से नागरिकता वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा अब में विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे कोई एम्बेसडर यहाँ पे रह रहा है और उसका बच्चा हुआ यहाँ पर तो वो भारत का नागरिकता नहीं होगा सत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग से उत्पन्न बच्चे तो वो भी क्या होगा भारत का नागरिक होगा आगे वंशानुगत छब्बीस जनवरी उन्नीस या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम के आधार पर भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता या पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था तब आगे रजिस्ट्रीकरण के द्वारा यदि कोई व्यक्ति जो ऊपर एक और दो इस दोनों में से नहीं आता है वो कुछ शर्तों को पूरा करके भारत की नागरिकता ले सकता है उदाहरण के लिए ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ है या वे व्यक्ति जो मूल भारतीय हैं तो उनका भी हो जाएगा आगे देशीयकरण द्वारा जब किसी विदेशी को देशीयकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस क्षेत्र में कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक हो जाएंगे आगे है नागरिकता की समाप्ति नागरिकता तीन प्रकार से समाप्त होती है पहला है परित्याग यदि कोई व्यक्ति या वयस्क नागरिक स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर सकता है यह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है पर्यावसान जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं रह जाती है, वो स्वतः खत्म हो जाता है आगे वंचित करना यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है या राष्ट्र विरोधी कार्य किया है तब उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जा सकता है अब एकल नागरिकता ये क्या है पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है राज्य की अपनी अलग नागरिकता नहीं है भारत में किसी एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को होता है अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है अर्थात राष्ट्रीय एवं राज्यों की नागरिकता अलग अलग है वहां पे अब है नागरिकता संशोधन विधेयक नागरिकता संशोधन विधेयक नागरिकता संशोधन विधेयक दो द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया इस जिसे संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली संशोधित अधिनियम अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह धार्मिक समुदाय हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य मनाता है यह उन लोगों पर लागू होगा जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर आ, धर्म के आधार पर प्रताड़ता के कारण या ऐसी प्रताड़ना के भाई से भारत में शरण किए हुए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं नागरिकता प्राप्ति पर ऐसे प्रवासी भारत में अपने प्रवेश की तिथि से भारतीय नागरिक माने जाएंगे और उनके गैर कानूनी प्रवास या नागरिकता संबंधी सभी कानूनी कार्रवाई बंद की जाएगी अधिनियम की तीसरी अनुसूची को संशोधित कर तीनों देशों तीनों देशों के वर्णित समुदाय के आवेदनों को सहजीकरण द्वारा नागरिकता के योग्य माना गया है यदि वे भारत में पाँच वर्षों तक अपना निवास साबित कर सके तो पहले के लिए ग्यारह वर्ष की अनिवार्यता थी पहले ग्यारह वर्ष रहना पड़ता था आगे जो हमारा एक्सरसाइज है वो है मूल अधिकार भाग तीन अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक है अनुच्छेद बारह से पैंतीस तक इससे पहले हम पढ़े थे पाँच से लेकर ग्यारह तक नागरिकता भाग दो था ये और एक से लेकर चार तक ये संघ राज्य क्षेत्र के बारे में था भाग एक था अब हम पढ़ रहे हैं भाग तीन मूल अधिकार लोकतंत्र लोकतांत्रिक लोक शासन व्यवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य है इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है पहला दिया गया राज्य राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य पदाधिकारी आते हैं अनुच्छेद ये बारह में कहा गया है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है मौलिक अधिकारों में संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में निर्णय तथा संसद द्वारा किए गए संशोधन का परिणाम यह है कि पहला दिया गया है मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है मूल अधिकारों का संशोधन होता है पर जो मूल ढांचा है उसको परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो मूल अधिकारों को संशोधन किया जा सकता है प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय यह विचार करेगा कि मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी आधिकारिक लक्षण जो बेसिक फीचर है का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा है और यदि ऐसा होता है तो संशोधन उस विस्तार तक शून्य रहेगा मतलब वहीं तक होगा लिमिटेड होता उच्चतम न्यायालय द्वारा आधिकारिक लक्षण की कोई सीमा जारी नहीं की गई है लेकिन इसके कई निर्णय से कुछ मूल ढांचे के बारे में पता चलता है जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता संसदीय प्रणाली न्यायिक पुनरावलोकन पंथ निरपेक्ष शक्तियों का पृथककरण आदि तो ये एक मूल ढांचा हुआ संशोधन होगा पर इससे बढ़ के नहीं जैसे शक्तियों का पृथककरण है तो अब ऐसा नहीं कोई संशोधन आएगा कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास पूरा शक्ति चला जाएगा तो इस टाइप का संशोधन नहीं होगा आगे मौलिक अधिकारों की स्थिति पहला संविधान संशोधन हुआ था उन्नीस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला संविधान संशोधन उन्नीस इसमें अनुच्छेद इकतीस द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था पहला संविधान संशोधन उन्नीस प्रसाद बनाम भारत संघ का एक केस था उन्नीस में इस मामले से यह प्रश्न उठाया गया क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद तीन जो संविधान संशोधन के बारे में बताता है विधि के अंतर्गत नहीं आता अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकती है एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं यहां से इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद तीन में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता आता संसद संविधान में संशोधन कर सकती है फिर दूसरा केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का उन्नीस में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है इसीलिए अनुच्छेद तीन द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है फिर आता है चौबीसवा संविधान संशोधन उन्नीस में काफी इंपॉर्टेंट है चौबीसवा संविधान संशोधन उन्नीस यह अधिनियम गोलकनाथ के मामले से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ था अनुच्छेद तेरह एवं अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ ये संविधान संशोधन वाला है तीन सौ अड़सठ में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर किया गया अर्थात संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है संशोधित करने का अधिकार होगा यानी संसद जो है वो संशोधन कर सकता है आगे केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कब हुआ उन्नीस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के आधिकारिक लक्षणों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती इस निर्णय से इस निर्णय में न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को स्पष्ट किया है फिर आता है बयालीसवां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के टाइम में उन्नीस में इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद तीन के खंड चार और पाँच जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता है संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं प्रश्न नहीं पूछा जाएगा फिर मिन वर्ण मिल्स भारत संघ का उन्नीस में केस आया इस मामले में अनुच्छेद तीन खंड चार को असंवैधानिक घोषित किया गया क्योंकि यह न्यायिक पुनरावलोकन का विनाश करने के उद्देश्य से बना था मतलब उस टाइम में इंदिरा गांधी का याद होगा कि वो कर्फ्यू वर्फ्यू लगा हुआ था तो वो चाहती थी कि कोई उस पर केस वेस ना करे ठीक ना तो इसलिए वो किया गया था फिर जो उन्नीस में फिर उसको किया गया कि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान का एक आधारभूत लक्षण है आप किसी भी चीज पे केस कर सकते हो ना लेकिन उसको मना कर दिया गया था में संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग आगे है वामन राव बनाम भारत संघ वामन रॉ बनाम भारत संघ उन्नीस से इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधारित आधारिक लक्षण का सिद्धांत जो कि चौदह चौबीस अप्रैल उन्नीस में हुआ था केशवानंद भारती के निर्णय सुनाए गए का यह तारीख था के पश्चात पारित संविधान संशोधन अधिनियम पर लागू होगा अर्थात भविष्य लक्ष्य रूप से लागू होगा पूर्ववर्ती विधान का अर्थात भूत लक्षी रूप से लागू नहीं होगा अब है मूल अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान में अनुच्छेद तीन एवं तीन में मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद तीन अनुच्छेद 19 के निलंबन के बारे में अनुच्छेद तीन एक मूल अधिकारों के बारे में है है याद रखिएगा और ये जो 19 कभी निलंबित नहीं होता अब है अनुच्छेद सॉरी अनुदीन राष्ट्रपति शासन लगता है निलंबित हो जाता है ना आगे अनुच्छेद तीन सौ इसके अधीन आपात की घोषणा होने पर अनुच्छेद तीन स्वतः परिवर्तित हो जाता है लेकिन अनुच्छेद तीन तभी प्रवृत्त होगा जब राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश निकाला जाता है अनुच्छेद तीन में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद बीस और इक्कीस का प्रवर्तन निलंबन नहीं किया जाता याद रखिएगा जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो दब जाता है क्योंकि उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने की आज़ादी तो वो थोड़ा कम हो जाता है पर अनुच्छेद 20 और 21 जो है वो निलंबित नहीं होता है यह है अनुच्छेद तीन में और अनुच्छेद 19 को निलंबित करने का है अनुच्छेद तीन में तो इसको याद रखिएगा आगे मूल अधिकारों का वर्गीकरण मूल अधिकारों का वर्गीकरण संविधान के मूल अधिकारों को छह शीर्षकों या छह शीर्षों में विभाजित किया गया है मूल संविधान में सात शीर्ष थे संपत्ति का अधिकार जिसको चौवालीसवें संविधान संशोधन 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया फिर मूल अधिकार क्या सब है दिया गया मूल अधिकार तो पहला है समता का अधिकार यह अनुच्छेद चौदह से अठारह समानता जिसको कहते हैं समता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद उन्नीस से लेकर बाईस स्वतंत्रता का अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद तेईस से लेकर चौबीस अनुच्छेद तेईस से लेकर चौबीस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद पच्चीस से अट्ठाईस धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद उनतीस से तीस संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद बत्तीस अनुच्छेद बत्तीस अवहे नागरिकों को उपलब्ध जो मूल अधिकार है कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है जैसे कि अनुच्छेद पंद्रह धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विवेद का प्रतिषेध विवेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्र सम्मेलन संगम संचरण निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्याओं के संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध मूल अधिकार है सभी व्यक्तियों को उपलब्ध जो सभी मतलब भारत और विदेश सबको विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद बीस है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद इक्कीस प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद इक्कीस का कौ है शिक्षा का अधिकार शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद तेईस और चौबीस है शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, और धर्म की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता नकारात्मक एवं सकारात्मक भाषा जो अधिकार राज्य को यह आदेश देता है कि वह किसी विशेष प्रकार का कार्य न करे उनका रूप नकारात्मक होता है उदाहरण के लिए अनुच्छेद चौदह पंद्रह का को सोलह का दो अठारह का एक बीस इक्कीस बाईस का एक सत्ताईस अट्ठाईस का एक इसकी रचना नकारात्मक रूप में की गई है अनुच्छेद 19 का कौर बीस 29, तीस बत्तीस ये भाषा सकारात्मक है अवैध समता का अधिकार जो पहला था 14 से 18 के बीच में समता का अधिकार राइट ऑफ इक्वलिटी विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद चौदह इसके अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा दूसरा धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद पंद्रह इसके अनुसार राज्य किसी धर्म वंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा किसी नागरिक को उपरोक्त आधार पर किसी भी स्थान पर जाने से नहीं रोका जाएगा लेकिन राज्य स्त्री एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है तीसरा लोक नियोजन के लिए विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद सोलह राज्य के अधीन नियोजन के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी अनुच्छेद 16 का तीन है कि राज्य किसी विशेष पद हेतु नियोजन में किसी क्षेत्र विशेष के अधिवास को आहरता के रूप में घोषित कर सकते हैं आरक्षण जो है अनुच्छेद 16 का चार अनुसार पिछड़े वर्ग को प्राप्त पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किया गया है अनुच्छेद सोलह का पांच के अनुसार धार्मिक संस्था या संप्रदाय

इसमें मूलभूत परिवर्तन किया गया और इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम उपाधियों का अंत यह अनुच्छेद अनुदार उपाधियों का अंत अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है यह संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा राज्य और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा यदि कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है तो वह राष्ट्रपति की सम्मति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा सहमति राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं की जा सकती है अब है स्वतंत्र स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम पहला अनुच्छेद उन्नीस बाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण इस अनुच्छेद के दो भाग है पहला भाग है खंड ए और खंड बी मतलब खंड एक और दो इसमें अधिकारियों की घोषणा है दूसरे भाग में खंड दो से लेकर छः तक इसमें मर्यादाएं की गई है जो अधिकारों पर लगाई जा सकती है अनुच्छेद 19 में छ प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है पहला है बाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण एवं निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार समुदाय अथवा संघ बनाने का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरचना का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार साथ ही कोई भी वृत्ति व्यापार और कारोबार करने का अधिकार आगे अनुच्छेद 19 में मूलतः सात अधिकार थे किंतु संपत्ति को खरीदने अधिग्रहण करने और बेच देने का अधिकार अनुच्छेद उन्नीस के कौ के चौ में चौवालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद तीन के एक के अंतर्गत कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के एक के कौ के अंतर्गत माना जाता है इसका अलग से उल्लेख नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है इस अनुच्छेद के तीन खंड हैं प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है दूसरा है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं कोई पद कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं कोई व्यक्ति तब कोई अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसके प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं करता है संविधान के अकॉर्डिंग कुछ अगर उल्लंघन चीज़ नहीं कर रहा है वो तो वो अपराधी नहीं है दोहरी क्षति नहीं दोहरी क्षति नहीं कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा स्व अभिशंसन नहीं स्व अभिशंसन किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद इक्कीस किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ उन्नीस मामले में यह कहा था कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित रिजु एवं युक्ति संगत होनी चाहिए ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब उन्नीस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है अब है शिक्षा का अधिकार यह अनुच्छेद 21 का कौर शिक्षा का अधिकार छियासीवा संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया इसके अनुसार राज्य 6 वर्ष के आयु से लेकर चौदह वर्ष आयु तक के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं पहला भाग साधारण कानून मामलों से जबकि दूसरा भाग निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित है पहला इसमें दिया गया और करके कि इस अनुच्छेद के अनुसार जब कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तार करने के आधार एवं कारणों से परिचित कराया जाना चाहिए जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया मतलब बताना पड़ेगा वैसे ही नहीं दरोगा साहब उठा के लेकर चले जाएंगे वो बताएंगे उसे अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं रखा जाए मनपसंद आ वकील लीजिए उसे गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा इस संरक्षण विदेशी शत्रु एवं निवारक विरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है क्लियर yeah. अब दूसरा कि अनुच्छेद 22 के द्वारा के दूसरे भाग निवारण निरोध से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों को उपलब्ध है इसमें शामिल है कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तीन माह से अधिक के लिए निरुद्ध नहीं किया जाएगा लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति को तीन माह से अधिक अवधि तक रखना आवश्यक है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड की संतुति अनिवार्य होगी अगले सलाहकार बोर्ड का गठन ये उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश अथवा समकक्ष योग्यता रखने वाले व्यक्ति से आ, मिलकर होगा यह बोर्ड इस बोर्ड द्वारा इस आशय की संतुति देने के बाद ही गिरफ्तारी की अवधि तीन माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाई जाएगी अगर संसद द्वारा बनाए गए निवारक निरोध कानून निवारक निरोध अधिनियम आया 1950 में 1905, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, 1971, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण के लिए अधिनियम आया था उन्नीस में आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप अधिनियम उन्नीस में आया था इसे उन्नीस में समाप्त कर दिया गया आतंकवाद निवारण अधिनियम आया 2002 में और इसे दो में निरस्त कर दिया गया था अब आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में 23 से स्टार्ट होता है चौबीस तक है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम जो मतलब बाल मजदूरी है अनुच्छेद 23 यह अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम पर रोक लगाता है लेकिन राज्य लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है दूसरा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशेध अनुच्छेद चौबीस चौदह वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने खान अथवा अन्य संकटमय योजना पर अनियोजन में नहीं लगाया जाएगा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु उन्नीस में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि शिवकारी में माचिस उद्योग में किसी बालक का नियोजन नहीं किया जाएगा आगे है धार्म, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा गणराज्य अन्य बातों के साथ साथ पंथ निरपेक्ष है यह बयालीसवां संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था संविधान में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा धर्मविहीन राज्य की अवधारणा नहीं है इसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा अर्थात सभी धर्मों को समान आदर अथवा संरक्षण प्राप्त है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेद विभेद नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूर्ण तथा समान स्वतंत्रता प्राप्त होगी अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में सभी व्यक्तियों को धर्म के सभी पक्षों में स्वतंत्रता के अधिकार के उपबंधों का वर्णन है आगे अंतकरण और धर्म के अबाध रूप मानना आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता यह अनुच्छेद पच्चीस कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद छब्बीस अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा दिए गए अधिकार असीम नहीं है एक तो वे लोक व्यवस्था नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दिए गए हैं दूसरा राज्य विधि बनाकर आर्थिक वित्तीय या राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप को विनियमित कर सकता है तीसरा किसी विशिष्ट धर्म के अभिबु अभिवृद्धि के लिए करों के संदय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद सत्ताईस है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता ये अनुच्छेद अट्ठाईस कहता है आगे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद उन्नीस अनुच्छेद उनतीस भारत के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा राज्य द्वारा प्रेषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए किसी भी नागरिक को केवल धर्म मूल वंश जाति भाषा या उसके इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद तीस या अनुच्छेद धर्म और भाषा के आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएँ तीन प्रकार की होती है राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त संस्था फिर दूसरा ऐसी संस्था जो राज्य से मान्यता लेते हैं किंतु आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं और तीसरा है ऐसी संस्था जो राज्य से मान्यता एवं सहायता कुछ भी प्राप्त नहीं करते अगर टी एम ए फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य टी एम ए फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य दो हज़ार तीन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि सरकारें और विश्वविद्यालय गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की प्रवेश तथा नियुक्ति संबंधी नीतियों को नियंत्रण नहीं कर सकती है यद्यपि वे इसके लिए शैक्षिक योग्यता निय कर सकती है तथा शैक्षिक स्तर बनाए रखने के लिए नियम बना जैसे अभी आप प्राइवेट स्कूल में देखोगे बी एड तो ये एक है कि शैक्षिक स्तर जो है वो फिक्स कर सकते हैं ताकि जो है वो गलत एजुकेशन ना दिया जाए अगैर संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया गया है अनुच्छेद 32 के द्वारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जिसे मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय में परिवर्तनीय बनाया गया है रीट उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश या रीट जारी कर सकता है संविधान में पाँच प्रकार के रीट का उल्लेख है पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण है बस कॉर्पस इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है इस रेट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी कर सकता है यह रेट किसी भी राज्य या व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है दूसरा परमादेश मैंडेमस यह रीट तब जारी होता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी न्यायालय अथवा निगम अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो उसके लिए आवेदन पीड़ित व्यक्ति द्वारा दिया जाता है आगे है प्रतिषेध प्रोहेबिटेशन इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालयों या अधिकारियों को उसके न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी करता है उत्प्रेषण उत्प्रेषण यह एक निवारक एवं सहायक रीट है जो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहा हो आगे अधिकार परीक्षा ओक्यू वारंटो इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी करता है अनुच्छेद बत्तीस और अनुच्छेद दो अनुच्छेद बत्तीस के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है और इसे और उसे नकार नहीं सकता है लेकिन अनुच्छेद दो के तहत उपचार उच्च न्यायालय के विवेकानुसार है इसीलिए वह अपने रीट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार है कि वह सैन्य बल अर्धसैनिक बल पुलिस आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है अनुच्छेद चौतीस जब भारत में कहीं मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है अनुच्छेद 35 संसद को कुछ मूल अधिकार जैसे कि अनुच्छेद सोलह बत्तीस तैतीस चौतीस को प्रभावी बनाने की शक्ति प्राप्त है जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है अब इसे आगे जो सजे हुए है नीति निर्देशक तत्व तो, यानी भाग चार छत्तीस से लेकर इक्यावन इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे सेशन अच्छा लग रहा हो मेरे पास तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद